शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। ये हमारी छोटी भाभी के जलवे भी ना अलग है। वैसे आज बहुत देर लगा दी आने में, कहीं हमसे मुकाबला तो नहीं कर रही थी? अरे नहीं नहीं, आपसे काहे करेंगे। अरे लड़की देखने जा रहे हैं अपने भतीजे के लिए, तो अच्छे से तैयार तो होंगे ना? हाँ क्यों भाभी? बड़ी भाभी आपको क्या हो गया? आपका मुंह काहे लटका हुआ है? अरे इतनी अच्छी सुंदर नौकरी करने वाली बहू मिलने वाली है आपको। क्या मतलब? गुणों और पैसों की तुलना नहीं की जाती। अरे नहीं नहीं भाभी, वो तो हम ऐसे ही कह दिए। क्या है ना भाभी, कमाऊ बहू बेटी की जिम्मेदारी का बोझ आधा कर देती है। वैसे हमारा वरुण बहुत ही किस्मत वाला है। तनुजा, सिर्फ किस्मत से कुछ नहीं होता। मेरे बेटे ने मेहनत भी बहुत की है, तब जाके किसी चीज की कमी नहीं है। अच्छी नौकरी, 2 लाख रुपए की सैलरी और अब नई गाड़ी, सब कुछ अपने पैसों से किया है उसने। वरना आजकल के लड़के घर में पड़े रहते हैं और बाप के आगे हाथ फैलाते हैं। भाभी ये आप मेरे बेटे के लिए सुना रही हैं ना? अरे किसी से भी कम नहीं है मेरा बेटा। अरे बस कमी है तो एक नौकरी की, पर आज इंटरव्यू के लिए गया है और आज नौकरी भी मिल जाएगी उसे। वो तो जब मिलेगी तब मिलेगी, लेकिन अभी चलें, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। भाभी आप लोग चलिए ना, हम 2 मिनट में आते हैं। बोलो। अरे अभय बेटा तुम इंटरव्यू पे पहुंच तो गए हो ना? मम्मी पहुंच रहा हूँ, क्यों क्या हुआ? अरे होगा तो तब जब तुम अच्छी नौकरी ला के हमारी नाक ऊंची करोगे। पता है आज नैना भाभी हमें फिर सुना रही थी वरुण के 2 लाख की सैलरी के बारे में। अभय तू ना 2.5 लाख की सैलरी ला, ताकि हम भी उन्हें अच्छे से सुना सके। हाँ ठीक है मम्मी, आपने बोल दिया, समझो दासू नौकरी मिल गई। बस आप अभी फोन रखो ना, अब बाय। चिंता मत कीजिए भाभी, अभय 13वीं बार इंटरव्यू निकाल लेगा। हाँ हाँ, किस सोच में पड़ गई आप? अरे अच्छी बहू क्या मिल गई, नैना भाभी के तो तेवर ही बदल गए। अरे इतना घमंड अच्छा नहीं होता है, क्योंकि सब किस्मत का खेल है और किस्मत किसी पल भी बदल सकती है। प्रिंसिपल सर ना बिल्कुल सही कह रहे थे बबलू, तू जरा भी फोकस नहीं है। अरे मेहनत कर, थोड़ा फोकस बढ़ा, फिर देख तुझे लाइफ में सब कुछ मिलेगा। तू सुन भी रहा है मैं क्या कह रही हूँ, या फिर अभी भी तेरे दिमाग में वो रैप ही चल रहा है? दीदी बिना पढ़े लिखे भी लोग बन जाते हैं स्टार, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस, पढ़ाई लिखाई इज बेकार। सुन ली मैंने तेरी बातें चार, अब घर चल वरना पड़ेगी मम्मी से मार। अरे वाह दीदी, आप ऐसे भी हो, हम दोनों मिलके ना रैप बैंड बनाते। दीदी रुको 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 रुको, क्या है बबलू? एक मिनट, क्या कर रहा है? अभी आता हूँ बबलू। आंखें की बटन
इतनी बड़ी बाइक नहीं दिखी तुम्हें? I'm very sorry. वो मैं इधर जा रही थी, आप सामने से आ गए. मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ. नहीं चाहिए मैडम, आपकी तो बिल्कुल हेल्प नहीं चाहिए. आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? मैंने कहा ना आई एम सॉरी, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ ना. नहीं चाहिए, आप आगे मेरी बहुत हेल्प कर चुकी हैं. अब आप अपना देख लीजिए, मैं अपना देख लूंगा. आप लोग क्या देख रहे हो? पिक्चर चल रही है क्या? जाओ अपना काम करो. मैडम ये देखिए आपकी हेल्प, मेरी फेवरेट शर्ट थी ये. जब आप लड़कियों को स्कूटी चलाने नहीं आती है तो क्यों जिद करती हो चलाने की? देखिए जो हुआ मैं मानती हूँ उसमें मेरी गलती थी और मैं आपको सॉरी भी कह रही हूँ उसके लिए, पर इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप कुछ भी कहेंगे. मुझे अपनी स्कूटी चलानी अच्छे से आती है. जी जी मैम, वो तो दिख ही रहा है. आपके इसी डेमो की वजह से ना आज मैं इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए भी लेट हो गया हूँ. आई एम सॉरी कि मेरी वजह से आपको लेट हुआ, पर मुझे भी एक जरूरी काम से जाना था और अब मैं भी तो वहां पहुंचने में लेट हो रही. हेलो मैडम, यहीं बस होगी क्या? ट्रैफिक जाम हो रहा है, साइड में कीजिए इसे. हेलो श्रद्धा, कहाँ हो बेटा तुम? हाँ मम्मी, हम लोग बस आ ही रहे. हाँ जल्दी आ जाओ. श्रद्धा को कितना टाइम लगेगा? उसी से बात कर रही थी, बस थोड़ी देर में पहुंचने वाली है. अरेंजमेंट कैसा लग रहा है? अरेंजमेंट तो सब ठीक है, बहुत अच्छा है, पर मुझे बहुत चिंता हो रही है, श्रद्धा अभी तक पहुंची नहीं, लड़के वाले आने वाले होंगे. अरे आ जाएगी, टेंशन मत लो. हे भगवान, लगता है वो लोग आ गए. तो चलो वेलकम करते हैं. इतने अच्छे मूड में निकला था घर से, दो मिनट में सारे मूड का सत्यानाश कर दिया. अजीब पगलेट है यहाँ. मैम बस दो मिनट में पहुंच रहा हूँ. रहने दीजिए मिस्टर त्रिपाठी, इंटरव्यूज आर ओवर. मैम बट स्कूटी पकड़े जा नहीं रही है, पर बैठ के रंगबाजी करनी है मैडम को. मारा तो चांस गया ना. बबलू जल्दी आ, आता आता. नमस्कार. नमस्ते. आइए ना प्लीज. आइए अंदर आइए, आप आइए आइए. श्रद्धा को और पता नहीं कितनी देर लगेगी. इसकी वजह से मेरा काम खराब हुआ है ना. ऑब्जेक्ट कैसे मैं इसका काम खराब करूं? जैसे मेरा काम बिगड़ा ना वैसे तुम्हारा भी काम बिगड़ जाए. अबे ओए रुक, कहाँ जा रहे? बबलू वापस आ, पर जल्दी आ.